दोस्त, आज हमने नए कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, थोड़ा स्पीड से काम करना है। जरा जल्दी से बताएं कितनी एग्जांपल्स हो गई थी लास्ट टाइम? 12 एग्जांपल्स हो गई थी, सही है। सर आजकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल नंबर 12 हो गई, 13 है ना ये? एग्जाम्पल नंबर 13 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव अपने पास नोट कर लीजिए प्लीज। थोड़ा तेज आपने हाथ जो है वो चलाना है। दिस इज अ रीकैप प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रोसेस अकाउंट स्क्रैप एंड एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन। ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने यही बात की थी, नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था हमने, स्क्रैप के बारे में बात की थी। स्क्रैप की दो ट्रीटमेंट हो सकती है, या तो आपको रद्दी बेच के जो पैसा आ रहा है उसको अदर इनकम में ट्रीट कर लो, या आपको रद्दी बेच के जो पैसा आ रहा है उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर लो। हम लोग किस में ट्रीट करेंगे? अच्छा, अब क्योंकि देखिए ना, आप बड़े होते जा रहे हैं, अब मैं रोज एक ही बात आपके सामने तो नहीं पीट सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ नई बात करनी है। मुझे सिर्फ ये बात बताएं, एक हल्का सा क्विक कॉन्सेप्ट डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। ये ट्रीटमेंट क्या होगी? आइदर वी शुड अकाउंट फॉर दिस एज एन अदर इनकम, और इफ वी शुड रिड्यूस आर प्रोडक्शन कॉस्ट। ये मैनेजमेंट के डिस्क्रिशन पे, मैनेजमेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप जरा सोचें सर, इन दोनों चॉइसेस का इंपैक्ट जो है वो क्या आएगा? अगर मैं इसको अदर इनकम में ट्रीट कर लेता हूं ना, तो ये हमारी कंपनी की दिहाड़ी के अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काम जो है वो करता हूं, तो उससे मेरे कस्टमर को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैनेजमेंट ये सोच रही है, मैनेजमेंट ये नियत बांधती है कि भाई इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काम नहीं करो, अदर इनकम के अंदर फेंक दो, इसका मतलब नॉर्मल लॉस का बेनिफिट कंपनी खुद रिसीव जो है वो करना चाह रही है। और अगर कंपनी बोलती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम करो, तो इसका मतलब कंपनी नॉर्मल लॉस का बेनिफिट खुद देने के बजाय, अब देखिए सिर्फ ट्रीटमेंट चेंज करने से इंपैक्ट आना स्टार्ट हो गया। कॉन्सेप्ट डिस्कशन है, मैं आप ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अब आप बड़े होते जा रहे हैं, आपको पुराने कॉन्सेप्ट आ गए, अब हम नई बात कर सकते। तो बता इसलिए भी रहा हूं कि कल को तुम नौकरी शौकरी स्टार्ट करो और मैनेजर को बोलो जी वो हमारे सर ने तो कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम होता है, और मैनेजर बोलेगा बाद में क्या, तुम्हारा सर सेठ ने कहा अदर इनकम में ऐड करो, अदर इनकम में ऐड करो, तो तुम बोलोगे तो फोन करके सर आपने तो कहा था नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है यहाँ तो, और नॉर्मल लॉस के स्क्रैप का बेनिफिट भी जो है वो कस्टमर को मिलता है, सर यहाँ तो सेठ नहीं दे रहा बेनिफिट। भाई सेठ की मर्जी, हमारे सिलेबस में एग्जामिनर नॉर्मल लॉस के स्क्रैप का बेनिफिट कस्टमर को ट्रांसफर करता है। क्या ये बात क्लियर होती है? अब जरा गौर से बात सुनिएगा, इस एग्जाम्पल को नोट करने के बाद, एग्जाम्पल नंबर 13 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, अभी मैं सवाल आपके सामने नोट कर रहा हूं, कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स अपने पास काइंडली नोट कर लीजिए। यार बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है, एथिक्स तो खुद एक सब्जेक्टिव इशू है, एथिक्स एक सब्जेक्टिव इशू है ना, तुम समझो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम बेगम को झूठ बोल के आए हो कि मैं अली अहमद के घर जा रहा हूँ, दोस्त हैं हम, तुम किसी और के घर हो, उजैफा के घर हो, दोस्त है तुम्हारा वो, लेकिन तुमने बताया नहीं क्योंकि बेगम ने मना किया, उजैफा से नहीं मिलना, अच्छा आदमी नहीं, अली अहमद की खैर अच्छा आदमी, अब तुम झूठ बोल के गए हो, तो तुम्हारी बेगम भाभी हमें फोन करें, बेगम तुम्हारी बेगम बोलना बुरा लग रहा है, भाभी फोन करें और पूछे क्या नाम है तुम्हारा, अब्दुल रहमान आपके घर है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? वट इज मोर एथिकल? खुदा की कसम तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं तुम्हें जवाब जो है वो देता हूँ, पहले तो मेरे सवाल का जवाब तो दो यार, असल में समझाने के लिए भी तो सवाल पूछूंगा ना यार, मैं क्या करूं सर, मैं चले मैं आपको उस बात का जवाब खुद दे देता हूँ सर, या तो, अरे भाई छोड़, तुम तो नाराज हो गए, शादी की बात करते तुम, चलो भाई अब्दुल रहमान की शादी नहीं हुई, हम तक ही हुई है शादी, अब अगर मैं सच बोल दूंगा तो इसके घर में फटा पड़ जाएगा, और अगर मैं झूठ बोलूंगा तो फिर आप एक सवाल रेस कर सकते हैं, वैलिड क्वेश्चन है सर, ये अनएथिकल नहीं है? तो मसला ये है कि यहाँ पर फड्डा बचाने के लिए, ये तो आपको पता है मियाँ बीबी के बीच अगर इजाजत है झूठ बोलने की तो आप बोलते हैं, खैर है, अब यहाँ पे एथिकल प्रॉब्लम एज सच है नहीं, क्योंकि एथिक्स का प्रॉब्लम वहां आएगा या तब रेज होगा जब हम ये आर्ग्यू करना स्टार्ट करें कि यार क्या कस्टमर के साथ हम नाइंसाफी कर रहे हैं, क्या हम जबरदस्ती उसको बेच रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर यही एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हारी सवाल की दी है,
तुम अगर मुझसे टेक्निकल आंसर चाह रहे हो, मैं तुम्हें दे सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि तुम्हारा ग्राउंड बनाऊं, बट यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट। अगर के इलेक्ट्रिक के केस में ये होना, दिस इज अनएथिकल, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के केस में कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं। लेकिन अगर मैं कोई और काम कर रहा हूं, कपड़ा बना के बेच रहा हूं, जूते बना के बेच रहा हूं, जहां मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है, और सेठ बोल रहा है भाई अदर इनकम में चार्ज करो, और आप बोल रहे हो सर अनएथिकल हो जाएगा, कस्टमर को बेनिफिट दें, और सेठ बोलेगा यार कस्टमर को और अगर बेनिफिट दे रहा है तो वहां जाकर जो है वो ले लें, जबरदस्ती नहीं है। लाइक आई एम नॉट बाउंड कि मैं डॉलर वालों का मार्केट बाय करूं, मैं किसी और का भी बाय कर सकता हूं। नॉर्मली ऐसा होता कब है, कब कंपनी अदर इनकम में ट्रीट कर लेती, बेनिफिट नहीं देती? अगर पूरी मार्केट ये काम कर रही है ना, तो आपकी कंपनी भी यही काम करेगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप ये काम कर रहे हो बाकी नहीं कर रहे, तो बाकी की कॉस्ट आपके मुकाबले कम होगी, यू आर लूजिंग मार्केट शेयर। लेकिन अगर सेठ बोल रहा है कि यार मार्केट शेयर जाता है जाए, हम महंगा बेचेंगे, हमारा एक स्टैंडर्ड है, तो बस बात खत्म हो गई, फिर सेठ ने बोल दिया। तो इट इज नॉट एक्जेक्टली अ क्वेश्चन ऑफ एथिक्स, इट्स मोर लाइक अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट्स डिस्क्रिशन, कि भाई बॉस क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो अपने पास एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट में काइंडली हेडिंग लगाएं छोटी सी, हेडिंग लगाएं इंपैक्ट ऑफ चेंज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप, इंपैक्ट ऑफ चेंज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप। जैक्सन वही बात बता रहा हूं मैं दोबारा से, वही बात बता रहा हूं, इंपैक्ट ऑफ चेंज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप। पहला पॉइंट नोट करें, पहली एक बेस बात नोट कर लें, द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप प्रोसीड्स, जाऊंगे बंद कर देना, द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप प्रोसीड्स depends on the management's discretion. The choice of treatment of scrap proceeds depends on the management's discretion. जैसे बॉस बोले वैसा कर लें, अगर आप बॉस हैं तो जो आपकी मर्जी वो आप कर लें। दूसरा पॉइंट नोट करें, depends on management's discretion. Discretion means choice. सेकेंड पॉइंट नोट करें, इफ स्क्रैप प्रोसीड्स इज ट्रीटेड एज अदर इनकम, ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन है मेरे बच्चों, इफ स्क्रैप इज ट्रीटेड एज अदर इनकम, इफ स्क्रैप इज ट्रीटेड एज अदर इनकम, देन इफेक्टिवली स्पीकिंग कंपनी इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ स्क्रैप, then effectively speaking company is taking the benefit of scrap, so I think second case ke andar normal loss ki cost aapne unko transfer karne ke bajaye scrap ka benefit unko transfer karne ke bajaye khud de liye, management ki choice hai. Third point note kare, if scrap is treated as a reduction from production cost, if scrap is treated as a reduction from production cost, if scrap is treated as a reduction from production cost, then the benefit is transferred to the customer, that benefit is transferred to the customer. Huzaifa, आई कैप में क्या होता है, हमारे पास पेपर्स के अंदर क्या हो रहा होता है, विच ट्रीटमेंट आर वी फॉलोइंग, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, जाफिर हम पॉइंट नंबर टू फॉलो करते हैं, पॉइंट नंबर थ्री, इतने सारे सवाल तुमने किए, यू कैन नॉट आंसर दिस यार, क्या बात कर रहे हो, हम अदर इनकम ट्रीट करते हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस करते हैं, हम प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस करते हैं, तो पॉइंट नंबर फोर भी नोट कर लें, कल को भूलना जाना, पॉइंट नंबर फोर भी नोट कर लें, इन आई कैप क्वेश्चंस, in ICAP questions the default treatment is point number 3, the default treatment is point number 3, comma unless otherwise specified, unless otherwise specified। रयान क्या मतलब है इस अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड का? अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं लिखा, वैसे लिख के भी देता तो यही बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम करो, अगर नहीं लिखा तो आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम करना, आंखें बंद करके जितने पास उधर करेंगे उसमें यही हुआ हो,
लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास है। अब कल को आई कैप लिख के दे दे कि भाई इसको अदर इनकम में ट्रीट करना है, तो लोग क्या कर रहे होंगे जिन्होंने 15 साल के पास में किए होंगे ना, वो ऑटोमेटिक पर आके टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप प्रोसीड माइनस कर रहे होंगे। हालांकि एग्जामिनर मना कर रहा है, एक डेढ़ मार्क्स आपका होगा लूज, लेकिन एक डेढ़ मार्क्स भी क्यों लूज है यार, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्या ही बात कर रहे हैं। तो कल को अगर एग्जामिनर ने ये हरकत कर दी कि वो बोल दे नहीं भाई हम मदर इनकम ट्रीट कर रहे हैं, भाई सेठ ने बोल दिया ना, बात खत्म हो गई। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालते वक्त टोटल कॉस्ट इनकर्ड, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा स्क्रैप प्रोसीड माइनस, ऐसा हमारे पास अभी तक नहीं हुआ है। नीचे नोट कर लो, आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कल को ऐसा नहीं होगा, ये किसी ने बोला नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं भी ये बात बोल नहीं रहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन डिफॉल्ट ट्रीटमेंट यही होती है। तो ये चार पॉइंट है। तो पहले पॉइंट में मेरा पड्डा रिजॉल्व हो गया कि कल को तुम जॉब करने जाओ और तुम्हारा बॉस बोले अदर इनकम में ट्रीट करो, तो तुम बोलो सर ऐसा नहीं होता, गलत बोल रहे हैं, जो बॉस बोलेगा वो करना, जो आपकी कंपनी, आपकी कंपनी आपकी चॉइस है। एग्जाम में हमारी चॉइस क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम करो, लेकिन अगर वो बोलते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम नहीं करना तो अदर इनकम है। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? प्लीज अब हम एक सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, रीकैप क्वेश्चन बोर्ड पर बना रहा हूं, जरा आपने तेज हाथ जो है वो चलाना है ताकि हम स्पीड से आगे मूव कर सकें। आए जरा क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन नंबर 30। ये दो अलग अलग सवाल हैं। अच्छा जी सर, क्वेश्चन का डेटा एक ही है, डेटा ये आपके पास है, और इस डेटा को यूज करके आपने दो सवाल, दो रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है। 10,000 का हमारा इनपुट है, नॉर्मल लॉस का बता दिया है कि 20% है। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं जो बोर्ड पर आपको समझ में भी आ सकती है, तलहा रेड मार्केट, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट 80% है, 8,000 यूनिट हमने जो है वो करने प्रोड्यूस। अब आप अलहमदुल्ला देख के मेरी ये बात बता सकते हैं, पार्टी में मैंने कितने यूनिट आपके पास बनाए, उम्मीद के मुकाबले ज्यादा बने कम बने, कम बने तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ रहा होगा। अच्छा 8,000 का मेरा आउटपुट है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड एक्चुअल में कितने बने, उम्मीद के मुकाबले ज्यादा बने कम बने, ज्यादा बने तो क्या आ रहा होगा। तो ये बेसिकली दो सवाल हैं, दो पार्ट में आपके पास आ गया। क्वांटिटी स्केड्यूल आपने बनाना है, सीपीयू आपने निकालना है, प्रोसेस अकाउंट और एंट्रीज, 5 मार्क्स की दोनों रिक्वायरमेंट है। सिर्फ पार्ट ए पहले करें, जल्दी से करें, मैं इसको बोर्ड पर सॉल्व करूंगा, आप चेक करेंगे, फिर हम पार्ट बी के अंदर मूव करेंगे, हमारा रिकैप मुकम्मल होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। भैया वीडियो जरा पॉज कर देना, छोटे हमजा बोर्ड पे देख लो, उमर अहमद बोर्ड पे देख लो, बबलू क्या नाम तुम्हारा, उसामा, पूरा नाम उसामा भाई, अदील, ओ से उसामा लिख दियो, यू से ओ से, आप तीनों जरा गौर से देख लें, हो सकता है अगला पार्ट आपको बोर्ड पे करना पड़े, बुरा तो नहीं मनाएंगे आप, मनाएंगे ऐसा मुंह बना हुआ है, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देख लो, ऑर्डर चेक कर लो, बहुत सवाल कर रहे हैं, फिगर नहीं कर रहे, पहला टॉपिक है, जब भी मैं इसको रीकैप हर सवाल के अंदर दे रहा हूँ, हर क्लास के अंदर मैं जो है वो रीकैप मूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहला टॉपिक है, अभी आपकी बेस इसके अंदर बन रही है। बेटा जरा ध्यान करना, मैं सबसे पहले बना रहा हूँ क्वांटिटी स्केड्यूल, बोर्ड पर रहना जरा। हमका कितना इनपुट किया, 10,000 का, हमका आउटपुट कौन सा वाला आता है, अरे एक्चुअल के एक्सपेक्टेड, एक्चुअल आता है, वेरी गुड। नॉर्मल लॉस कौन सा वाला आता है, एक्सपेक्टेड, कितना है,
20% ऑफ इनपुट, 10,000 का 20% बनता है 2,000। अच्छा मोटा मोटा हिसाब है, सवाल देख के आपको आइडिया होना चाहिए। आप आज के बाद ये काम करना स्टार्ट करो। नॉर्मल लॉस 20% है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या थी? 80%, मतलब 8,000 बनने चाहिए थे, 8,000 बनने चाहिए थे, बने कितने? अच्छा देख के पता चल रहा है 500 का, 8,000 बनने चाहिए थे, बने कितने? देख के पता चल रहा है 1,000 का। क्या बात है भाई, एटलीस्ट ये जो आपके इंटरमीडिएट लेवल के सवाल है यहां आप देख के बता सकते हैं। अभी क्वांटिटीज कैजुअल ना कॉम्प्लेक्स होगा जब हम एडवांस लेवल पे मूव करेंगे। कॉम्प्लेक्स इसलिए होगा कि उसमें नए आइटम आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स इसलिए होगा कि अभी लॉस आइडेंटिफाई हो रहा है प्रोसेस के एंड पर, लिखा भी नहीं है मैंने सवाल में, जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि लास्ट सवाल में लिख के बता चुका हूं ये बात कि जब कुछ ना लिखा हो तो लॉस आइडेंटिफाई जो है वो कब हो रहा है? प्रोसेस के। जब लॉसेस डिफरेंट स्टेज पर आइडेंटिफाई होना स्टार्ट होंगे, ब्लैक भी चाहिए और ब्लू भी चाहिए नया वाला, तो फिर आपके पास क्वांटिटी कैजुअल चेंज होगा। जब ये 2 मार्क्स का आता है, इस स्टेज में 2 मार्क्स का नहीं आता। ये अगर सवाल आपके पास पेपर में आ गया इस तरह का, तो ये सवाल 5 मार्क्स ऊपर का नहीं आएगा, ये 5-7 मार्क्स का सवाल है। अगर प्रोसेस का वेट उसने पेपर में कम रखा तो इस लेवल का सवाल आएगा, वरना जितना अब तक आपने किया है ये आधा सवाल का आधा हिस्सा है, ठीक है ना? तो ध्यान करना, देख के आपने ये बात बता दी। अच्छा अब ये आउट हो रहा है तो कौन सा आइटम बच गया आपके पास? 10,000 ये हो गए, 10,000 ये हो गए, मैंने वैल्यूज नहीं रखी, सिर्फ क्वांटिटी कैजुअल पूरा किया। दूसरी बात, जिस तरह बोल चुका हूं दोबारा बोलता हूं, जिस तरह आउटपुट एक्चुअल आती है वैसे ही सवालात के अंदर लॉस भी एक्चुअल आता है। कैसे पता चला सर? ये देख लो एक्चुअल लॉस क्या आ रहा है, एक्चुअल लॉस 2,500 का आ रहा है। सर कैसे आपने ट्रेस किया? यार बोर्ड पे देख लो, स्क्रैप की एंट्री पास करते वक्त तो तुम ये काम कर रहे होते हो। एक्चुअल इनपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट कितना है? क्लोजिंग तो है नहीं, ओपनिंग तो है नहीं, लॉसेस क्या हो गए? तो आता लॉस भी एक्चुअल फॉर्म के अंदर है लेकिन उसको ब्रेक करते हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? अच्छा जी सर, अब मैं निकाल रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड 60 और ये कितनी हो गई 2,00,000 रुपए। एक्सपेक्टेड आउटपुट 20% अगर लॉस है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी 80%, और एक्सपेक्टेड स्क्रैप प्रोसीड डिफॉल्ट एग्जामिनर ने कुछ बोला नहीं है, बेनिफिट हम ट्रांसफर करेंगे अपने कस्टमर को, कितना बनता है ये 10,000। तो 1,90,000/8,000 कितना आ रहा भाई? 23.75। अच्छा सर 23.75 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। सर अब मैं वैल्यू को जरा प्लॉट करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो जरा आप ध्यान करते रहिएगा, इस वैल्यू को प्लॉट करूंगा प्रोसेस अकाउंट मेरा क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ भाई कितनी वैल्यू है 23 पॉइंट, और एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पे सही नहीं है, ये बात सिर्फ तब तक सही है जब तक लॉस साल के एंड पे नहीं मेरा बच्चा, प्रोसेस के एंड पे, क्योंकि साल के एंड की कहानी अभी एडवांस लेवल के अंदर जाके आएगी, आएगी वो भी एक नया काम आ जाएगा कि साल भी एंड हो रहा है। अच्छा जी सर ये मेरे पास स्क्रैप की वैल्यू आ रही है 5 रुपए, 10,000 ये हो गया, 23,75 × 7.5 कितना आ रहा है? यार पहले फैसला कर ले बोलना किस तरह से। थैंक यू 1,78,125, और ये कितना हो गया 11,875, अकाउंट बैलेंस हो रहा है 2,00,000 इधर गया 2,00,000 इधर गया। ठीक है एक कहानी जो हमने एडिशनल स्टार्ट की थी, पेपर में नहीं करनी होती, चेक करने के लिए कि आप सही कर रहे नहीं करते। 500 यूनिट पूरे बन गए, पूरे के पूरे बन गए, जाया हो गए, यूनिट के ऊपर हमारा पैसा खर्च हुआ 23.75 रुपए, मुकम्मल वेस्ट हो गया। नहीं मुकम्मल वेस्ट नहीं हुआ, ये सारा कचरा उठाएं और 5 रुपए का बेच दें तो मेरा लॉस कितना हो गया? दिस इज माय अफेक्टिव लॉस पर यूनिट का है, कितने यूनिट है 93, नुकसान कम हो गया स्क्रैप की वजह से। अब यही चीज हमें एंट्री में ट्रेस करनी है, ऐसा ही है सर। एंट्रीज पर आ जाए, एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने अभी पेपर के अंदर जाके एंट्रीज के बाकायदा सवाल जो है वो करने हैं। फिनिश यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 178,125, ये एंट्री सबने पास कर ली होगी। ये कौन सा वाला स्क्रैप है, एक्सपेक्टेड के एक्चुअल? एज इट इज पास कर दो, 10,000 से डेबिट, 10,000 से क्रेडिट, जाके मैंने पोस्ट भी कर दी। नॉर्मल लॉस एज इट इज पास कर दो,
11875 से डेबिट किसके अगेंस्ट? अब नई एंट्रीज आ रही है भैया, यहां एंट्री से आपने ध्यान करना है। बेसिक लेवल में ये सारी एंट्रीज आप सीख चुके हैं, नई एंट्रीज। सर एक्चुअल की एंट्री पास करनी है, छोटे हम तो एक्चुअल की एंट्री पास करने के लिए दो चीजें चेक करता हूं, क्या क्या? नहीं, हिजबुल्ला एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री पास करने के लिए सिर्फ दो चीजें चेक करता हूं, क्वांटिटी स्केड्यूल। एक्चुअल का इनपुट, एक्चुअल का आउटपुट। 10 इनपुट किए, क्लोजिंग ओपनिंग है नहीं, फिनिश गुड 7.5 का बना, 2500 यूनिट एक्चुअल लॉस है। तो अगर एक्चुअल लॉस 2500 का है तो स्क्रैप की वैल्यू क्या होगी, कितना कैश आएगा? 12500 का कैश आया किसके अगेंस्ट? मैंने स्क्रैप अकाउंट में जाकर ये एंट्री पोस्ट कर दी, लेकिन जैसे ही पोस्ट की पता चला कि ये अकाउंट बंद नहीं हो रहा, ज्यादा पैसे आ रहे हैं। किसकी वजह से आए हैं ज्यादा पैसे? तो जिसकी वजह से आए भरेगा भी वही। कैसे भरेगा? सर स्क्रैप अकाउंट डेबिट होगा, एबनॉर्मल लॉस की वजह से हुआ है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा किसके अगेंस्ट, और स्क्रैप का अकाउंट जो है वो किससे क्लोज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर आ रहा है? 93 पीएनएल। ये आप चेक भी कर सकते हैं, 9375 क्यों आ रहा है? सर इसलिए आ रहा है, उसकी बेसिक मैथ्स वहां लिखी। क्या ये बात यहां तक क्लियर हो गई है? दो एंट्रीज पास करनी है, मैंने डायरेक्ट पोस्ट कर दिया, क्या ये पट्टा खत्म हो गया? भैया रिकॉर्डिंग पॉज कर दें प्लीज, रिकॉर्डिंग पॉज कर दें प्लीज। रिकॉर्डिंग वाले बच्चों, आपने पार्ट ए पूरा करने के बाद पार्ट बी स्पीड से मूव करना है, सारी रिक्वायरमेंट सेम है, अब आपको टाइम कम लगेगा, नाकाम कोशिश करें फिर हम इसको दोबारा बोर्ड पे जो है पैक करते हैं, ज्यादा चेंज नहीं है। इनपुट कितने का, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितने का, एक्चुअल कितने का, देख के पता चल रहा है गेन। मैं फिर भी क्वांटिटी स्केड्यूल एग्जामिनर को दिखा दूं, 9000 ये नॉर्मल लॉस कितना, 2000, तो ये 11000 से आउट हो रहा है, तो ये आउट नहीं हो रहा, बेसिकली ये शो कर रहा है कि इस साइड पर एक आइटम और है। कौन सा आइटम, कितने का? वही बात दोबारा बोलूंगा, बोल करूंगा आपको, जिस तरह टी अकाउंट के अंदर एक्चुअल आउटपुट जाती है वैसे लॉस भी एक्चुअल जाता है। एक्चुअल लॉस क्या आ रहा है? 2000 का एक्सपेक्टेड, 1000 का गेन, इसका मतलब 1000 का आपका लॉस हुआ है। सर कॉस्ट पर यूनिट कोई चेंज है? कॉस्ट पर यूनिट में 23.7, ऐसे ही कोई मसला तो नहीं है, पक्की बात है, श्योर अबाउट इट। मैं भी अगले सवाल में इस बात को थोड़ा चेंज करने वाला हूं, लेकिन चलें लेट मी कीप दैट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एंट्री पास करना स्टार्ट करता हूं, 23.75, 5 रुपए ये, 10000 ये हो गए, 60000 ये, 41 ये, 23,750 ये, 2,23,750 ये, कितना आ रहा है? 2,07,750 सबका यही आ रहा है, ऑनलाइन सबका यही आ रहा है। अगर सबका यही आ रहा है इसका मतलब कोई फड्डा नहीं है। सर अब मोटी मोटी एंट्रियां पास कर रहा हूं, 2,13,750 ये एंट्रियां तो मैं छाप रहा हूं इफेक्टिवली, क्योंकि बहुत सारे सवाल में कर ली। एक्सपेक्टेड स्क्रैप कितने का, सबसे पहले जाके इसको पोस्ट कर देता हूं, 10000 का स्क्रैप आना है। अच्छा जी यहां पे तो गेन आ रहा है, सर गेन कितने का? प्रोसेस अकाउंट डेबिट, गेन अकाउंट क्रेडिट, कितने से भैया? 23,750। छोटे अब्जा मैं एक सवाल पूछने लगा हूं, क्या पूछने लगा हूं? अबे यार चुस मार दी ना तुमने। हाँ भाई ये एक्सपेक्टेड स्क्रैप की एंट्री थी, अब कौन सी एंट्री पास करनी है? कोई बीच में अपना रिक्शा लेके ना आए। छोटे हमजा एक्चुअल की हम एंट्री पास कर रहे हैं, तो एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री पास करने से पहले हम दो चीजों को देखते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल में क्या देखते हैं? ये रहा क्वांटिटी स्केड्यूल, लाहौल वाला को कल मत बार बार। अब एक्चुअल आउट एक्सपेक्टेड आउटपुट क्वांटिटी स्केड्यूल में नहीं होती है। दोबारा बोल, फिनिश गुड देख लिए, ये एक्चुअली है
यार तुम बताओ इसको, ये हमेशा इसका सर्किट एंड में आके आउट हो जाता है, हालांकि इसको पता है क्या करना है, बताओ। दो चीजें देखनी है, क्या क्या सर? एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल इनपुट, कितना इनपुट किया, आउटपुट कितना बढ़ा है, तो बाकी कहां गया? सर वही एक्चुअल लॉस है। कितना लॉस है एक्चुअल? 1000 किलो का। क्या यार, सही बताते बताते तुमने नाम ऊपर नीचे कर दिए। कैश कितना आएगा सर? कैश आएगा 5000 रुपए। क्या बेच के आ रहा है? स्क्रैप अकाउंट में गया, लिख दिया 5000 पैसे आए हैं। लास्ट टाइम ज्यादा आ गए थे, इस टाइम कम आए हैं। क्यों कम आए? तो जिसकी वजह से कम आए वही पूरा करेगा। नॉर्मल गेन की वजह से कम आए, स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट, नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट, कितने से? और इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट किस चीज से बंद होते हैं? कितना बन रहा है ये, कहां जाएगा? क्या ये बात क्लियर? किसी की एंट्री हिली? किसी एक बंदे ने भी अगर की हो गलत, किसी बंदे ने ना की हो, आपने गलत की है, क्या मिस्टेक की है? वेरी गुड। गलत हुए जा रहे हैं, चलें हैं अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम सही कर लेंगे। क्लास ये बात क्या यहां तक क्लियर होती है? पक्की बात है, सब लोगों ने कैश की एंट्री जो है वो ट्रेस कर ली है सर। सेम स्टैंडर्ड एंट्री है भैया। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा प्लीज, काइंडली रिकॉर्डिंग बंद कर दें।